दोस्तों एमएफटी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है द स्किन इफेक्ट कॉजेज करंट टू फ्लो इन द सेंटर ऑफ कंडक्टर नियर द सर्फेस ऑफ कंडक्टर थ्रू सेंट्रल कोर ऑफ कंडक्टर और यूनिफॉर्मली थ्रू द कंडक्टर। द आंसर विल बी, अगर देखें तो आपका आंसर क्या होगा, इट विल बी नियर द सर्फेस ऑफ कंडक्टर। पहली बात तो क्या होता है कि स्किन इफेक्ट जो होता है द टेंडेंसी ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट, कोई भी जो ऑल्टरनेटिंग करंट है इसकी कैपेबिलिटी या जो टेंडेंसी होती है वो होती है टू कंसंट्रेट नियर द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। जैसे ये कंडक्टर है, ये इसका क्या है, सरफेस है, तो इस सरफेस के ही चारों तरफ ये कॉन्सेंट्रेट होगा। इट इज नोन एज स्किन इफेक्ट। The distribution of current over the entire cross section of the conductor is quite uniform in the case of DC system. DC system के केस में क्या होगा, जो current का distribution होता है ना वो quite uniform होता है, वो समान होता है, it is constant, ठीक है। But in the alternating current system जो current होता है it tends to flow with higher density, जो current होता है AC के केस में it tends to flow from higher density, ये higher density थ्रू दी सरफेस ऑफ कंडक्टर, जो ये होता है जिस कंडक्टर के सरफेस के थ्रू हायर डेंसिटी होती है वहां से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, लीविंग द कोर विदाउट एनी करंट, ठीक है, दैट इज जो स्किन ऑफ द कंडक्टर होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो स्किन इफेक्ट इज नेग्लिजिबल। ये कब नेग्लिजिबल होता है, फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 50 हर्ट्ज एंड डायमीटर ऑफ कंडक्टर इज लेस देन 1 सेंटीमीटर, राइट। तो ये आपका था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द स्किन डेप्थ ड्यू टू आरएफ करंट इज इक्वल टू, देखिए क्या होता है आंसर, आपका आंसर क्या होता है, आपको पता है जो डेल्टा होता है स्किन इफेक्ट, दिस इज इक्वल टू 1/अल्फा या 1/बीटा एंड दिस इज इक्वल टू वॉट, दिस इज इक्वल टू 1/√ओमेगा म्यू सिग्मा/2, यानी कि मैं इसे लिख सकती हूँ 2/ओमेगा म्यू सिग्मा। तो ये हो जाएगा ये, तो यहाँ पे जब आप इसको करोगे तो 1/πf म्यू सिग्मा हो जाएगा। तो अगर आप देखिए तो इसमें ये कौन सा आंसर इसका सही होगा, F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, म्यू होता है परमिबिलिटी और सिग्मा होता है कंडक्टिविटी। तो ये आपको पता है। अब हाई फ्रीक्वेंसीज में जो होता है ऑल दी आरएफ करंट एट हाई फ्रीक्वेंसीज, जितनी भी आपकी आरएफ करंट्स होती हैं दे विल फ्लो विद इन अ वेरी स्मॉल थिकनेस, बहुत ही स्मॉल थिकनेस के थ्रू ये फ्लो करती हैं, ठीक है। तो स्किन डेप्थ रिफर्स द पॉइंट एट विच द करंट डेंसिटी रीचेज अप्रॉक्सीमेटली 37% ऑफ इट्स वैल्यू एट दी सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की सरफेस पे 37% ऑफ इट्स वैल्यू हुई है, करंट डेंसिटी तक पहुंचता है स्किन डेप्थ, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और फॉर अ कंडक्टर कैरिंग ऑल्टरनेटिंग करंट एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस कंडक्शन बिगिंस टू मूव द कंडक्टर क्रॉस सेक्शन टू दी सरफेस ऑफ, जैसे ही कंडक्टर में ऑल्टरनेटिंग करंट होती है तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ती है जो कंडक्शन होता है आपका कंडक्शन, इट बिगिंस टू मूव द कंडक्टर क्रॉस सेक्शन, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से टू सरफेस तक। ये जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन होता है ना, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन है, ये पूरा एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन से मूव करके ये सरफेस तक आ जाता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें, आपका राइट आंसर होगा, अगर देखे जाए योर राइट आंसर विल बी ये अंडर रूट 2/ओमेगा म्यू सिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ्स हैज द सेम डायमेंशंस एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हैज द सेम डायमेंशंस एज दैट ऑफ इम्पिडेंस। इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक इम्पिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक इम्पिडेंस। क्यों इंट्रिंसिक इम्पिडेंस बोलते हैं, इंट्रिंसिक इम्पिडेंस क्या होता है, ईटा, इसको हम क्या बोलते हैं, ईटा। ईटा इज इक्वल टू E/h इज इक्वल टू j/ओमेगा म्यू/गामा। फॉर फ्री स्पेस इंट्रिंसिक इम्पिडेंस की वैल्यू क्या होती है, ईटा नॉट इक्वल टू 120 पाई एंड ईटा की वैल्यू क्या होती है 377 ओम्स। तो सिंस द यूनिट इम्पिडेंस इज आल्सो ओम्स, तो ये सेम डायमेंशंस के होते हैं। तो यूनिफॉर्म प्लेन वेव की फॉलोइंग प्रॉपर्टी होती है कि जो E एंड H होते हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर विच आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एंड जो इनको हम TEM वेव्स भी बोलते हैं। और जो रेशियो होता है आपका मैग्नीट्यूड E by magnitude of H for the wave is equal to intrinsic impedance of the medium. Next question है, choose which propagation medium can handle VHF and UHF? Ground wave, sky wave, space wave. Ground wave propagation होता है 3 मेगाहर्ट्ज तक, ये होता है 3 to 30 मेगाहर्ट्ज तक और ये होता है more than 30 मेगाहर्ट्ज तक। तो आपका आंसर होगा space wave propagation। क्यों होगा, the signals having UHF, देखिए UHF की जो frequency range होती है वो क्या होती है 30 मेगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज होगी। और जो VHF होता है इसकी वैल्यू होती है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक. दे आर प्रोपेगेटेड थ्रू लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन विच इज नथिंग बट स्पेस वेव प्रोपेगेशन. तो फ्रीक्वेंसी जो यूएचएफ की रेंज में होता है दे प्रोपेगेट बाय मींस ऑफ स्पेस वेव्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ऑफ ए फ्री स्पेस इज इट्स वेरी सिंपल, इट इज अंडर रूट म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट. आपको पता ही होगा ये, आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ऑफ अ वेव ट्रैवलिंग इन अ लॉसी मीडियम इज जेड इज इक्वल टू अंडर रूट जे ओमेगा म्यू बाय सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन. अगर आप सिग्मा की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये क्या है, ये क्या शो करता है, फ्री स्पेस एंड लॉसलेस मीडियम. ये फ्री स्पेस एंड लॉसलेस मीडियम शो करता है. तो पुट सिग्मा इक्वल टू जीरो तो z इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन. ठीक है, तो म्यू नॉट क्या होता है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जिसको बोलते हैं 4 pi × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, और इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ये परमिबिलिटी है, म्यू नॉट ये परमिटिविटी है. इसकी वैल्यू है 8.85 × 10⁻¹2 फराड पर मीटर. ठीक है, ये क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशंस ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर आर सेम एज दैट ऑफ पावर पर यूनिट एरिया. ये तो आपको पता होगा. ठीक है, कि s इज इक्वल टू क्या होता है, E क्रॉस H यही होता है. एंड P इज वॉट, पॉइंटिंग वेक्टर. E इलेक्ट्रिक फील्ड, H मैग्नेटिक फील्ड. तो यानी कि पॉइंटिंग वेक्टर डिस्क्राइब्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, S इज इक्वल टू 1/μ0 E क्रॉस H भी लिखते हैं इसको. ठीक है, एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फॉर अ प्लेन EM वेव. तो E एंड H आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ EM वेव. Poynting vector describes the magnitude and direction of flow of energy in electromagnetic waves per unit volume. ठीक है, ये हो जाएगा. अब आप इसको देखिए, आज मैंने आपको इतने क्वेश्चंस कराए हैं तो बाकी ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है. ठीक है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बाकी मैंने आपको ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चंस कराए. टिल देन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू.